ग्वालियर में बम धमाका हो गया। धमाके में 32 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। चेक पॉइंट पर ट्रक में बम विस्फोट कर दिया गया। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर जानकारी दी है। उनका कहना है कि हमारा सौभाग्य है कि कल पीएम मोदी हमारा मार्गदर्शन करने आ रहे हैं। कार्यकर्ता महाकुंभ में हम सब कार्यकर्ताओं को मोदी जी का मार्गदर्शन मिलेगा। विदिशा के सिरोंज से भाजपा विधायक उमाकांत शर्मा ने राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी बहुत निराश है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे। जब कोई बच्चा बार बार फेल हो जाता है तो उसे घर पर बैठा दिया जाता है। राहुल गांधी भी फेल हो गए हैं, उन्हें भी घर पर बैठा दो। हटा के प्रसिद्ध चंडी जी मंदिर में पहुंचे भाजपा विधायक पीएल तंतवाए भक्तिमय गानों पर जमकर थिरकते हुए नजर आए। विधायक के अंदाज और नाचने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और सुर्खियों में बना हुआ है। मुरैना में बाइकर्स गैंग ने शहर की सड़कों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बदमाश फायरिंग करते वक्त नारेबाजी भी कर रहे थे। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के रामनगर रोड का ये मामला है। भिंड में परिवार के 3 लोगों को सांप ने काट लिया। मां और 12 साल की बेटी की मौत हो गई। 8 साल की बेटी की हालत गंभीर है। घायल बेटे का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। परिवार घर में जमीन पर सो रहा था। रानी बिरगवा गांव पर यह हादसा हुआ है। इंदौर में पैसे के लेन देन को लेकर युवक का अपहरण करने का मामला सामने आया है। युवक का अपहरण कर उसे बंधक बनाया गया और मारपीट की गई। आरोपी ने युवक के एटीएम से पैसे निकलवाए। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। छिंदवाड़ा में ग्रामीण जल सत्याग्रह कर रहे हैं। माचागोरा के प्रभावित किसान आर्थिक पैकेज की मांग कर रहे हैं। विशेष राहत पैकेज की उनकी मांग है। चौरे विधानसभा क्षेत्र के माचागोरा का ये मामला है। भोपाल में आज कोटवारों का महासम्मेलन है। सम्मेलन में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। कोटवारों को सीएम शिवराज सिंह चौहान सौगात दे सकते हैं। कोटवारों का मानदेय दुगना किया जा सकता है। साथ ही उन्हें वर्दी देने की घोषणा भी हो सकती है। खेलो एमपी यूथ गेम्स 2023 की तैयारियां तेज कर दी गई है। मध्य प्रदेश के 7 जिलों में गेम्स आयोजित होंगे। भोपाल, रीवा, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर और शिवपुरी में गेम्स होंगे। 26 से 30 सितंबर तक संभाग स्तरीय मुकाबला होगा। 1 से 5 अक्टूबर तक राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। सत्ता में मेडिकल संचालक से मारपीट का मामला सामने आया है। लाठी डंडों से बदमाश युवकों की पिटाई की गई है। दवाई में छूट की बात को लेकर विवाद हुआ था। मारपीट की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। कोलगवा पुलिस मामले की जांच कर रही है। भिंड में एक महिला की मौत के बाद खुले में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। तेज बारिश से बचाने के लिए प्लास्टिक की पन्नी से चिता को ढका गया। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे छिपकर खुद को भीगने से बचाया। उमरी थाना क्षेत्र के पूरा गांव का यह मामला है। इंदौर में पुलिस नशे के खिलाफ बड़ा अभियान चला रही है। 9 महीने में पुलिस ने 172 ड्रग्स पैडलर्स पकड़े हैं। पकड़े गए पैडलर्स में महिलाएं भी शामिल है। 2,45,00,000 रुपए की ड्रग्स जब्त की गई है। 100 से ज्यादा पैडलर्स सक्रिय बताए जा रहे हैं। तस्करों के तार मुंबई, राजस्थान से जुड़े हैं। राजधानी भोपाल में डेंगू के मरीज बढ़ गए हैं। सितंबर के 23 दिनों में 120 मरीज मिले हैं। 9 हॉटस्पॉट में ही 100 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। अब तक डेंगू के कुल 300 मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग की 50 टीमें डेंगू लार्वा का सर्वे कर रही हैं।